जगाना चाहिए। मैं यहाँ फिर से सो गई। बाद में मिलते हैं। अरे मैंने अभी तक होमवर्क भी नहीं करा। तुमने अपने साथ जरूरत का सामान ले लिया? शायद। बाय मॉम। कि तुम्हें ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। मैं पहले से जमीन पर ही हूँ। मियो, क्या तुमने अपना मैथ होमवर्क किया? हाँ, मेरे चेहरे से तुम्हें पता लग ही गया। तुम फिर से रात में देर से सोई है ना? ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। चल सकती। क्या तुम ठीक हो? मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ। क्या कर रही हो? बस आराम कर रही हूँ। जब तक फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर सकती तब तक चलो, तो चलना पड़ेगा। क्या कहा? बिल्कुल नहीं। आखिरकार ये सब करने का मतलब क्या है? औजा मुरादा हिनाता मोरिकावा कसुमी मोरिता और जब सौसा। मुझे फिर से 3 एग्जाम देना पड़ेंगे। मैं काफी डिप्रेस्ड हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ढंग से पढ़ नहीं रही हो। चलो भी, एक कागज का टुकड़ा हमारे भविष्य का फैसला नहीं कर सकता। पता है सबसे अच्छा क्या होता है? जब हम जिंदगी को जैसे जिया जाए वैसे ही जिए। ओए, जमीन और आसमान के बीच के स्पेस को हॉराइजन कहते हैं, है ना? तो वो सी हॉराइजन है? अगर ऐसा है तो आसमान और अंतरिक्ष के बीच को क्या कहेंगे? स्पेस हॉराइजन? क्या तुम कुछ भी नाम बना रही हो? क्या तुम कोई अच्छा सा रोमांटिक नाम नहीं सोच सकती? हाँ, कोई और नाम, जैसा कि ओवर द स्काई। आसमान और अंतरिक्ष के बीच को ओवर द स्काई कहा जाता है। हाँ! क्या चलते हैं। पेंगुइन्स आज फिर से उड़ रहे हैं।
सच में ऐसा लग रहा है जैसे वो उड़ रहा है। ये काफी बढ़िया है, है ना? तुम यहाँ अक्सर अकेली आती हो? हाँ बिल्कुल, कभी कभी मंडुआ के साथ। वैसे क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि मैंने कभी तुम्हें साथ नहीं बुलाया? ऐसा नहीं है। मुझे समुद्र के जीव बहुत ज्यादा पसंद है। मैं जानता हूँ जूनियर हाई के वक्त तुम एक बार। हाँ, पर मेरे उस सपने से हार गई। अगर तुम्हें जॉब मिले तो बाकियों की जॉब खतरे में हो जाएगी। तुम काफी मतलबी हो। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि मुझे फर्क पड़ता है। तो तुम हमेशा काफी जल्दी हार मान लेती हो। कुछ चीजें हैं जिन पर मैं हार नहीं मान सकती। वो क्या है? मैं एक विल देखना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार। मैंने पहले एक देखी थी। हाँ सच में? कहाँ? वो तो पास ही में है। चलो वहाँ चलते हैं। हम शाम तक तो वहाँ पहुँच ही जाएंगे। अरे वो हम अगले हफ्ते भी देख सकते हैं। जल्दी चलो। तुमने किसकी फोटो ली? समंदर की। दिखाओ मुझे। अभी नहीं। क्यों? रुको भी, जिद मत करो। चलो दिखाओ मुझे। जब भी कुछ बुरा होता है तो हमेशा मैं यहाँ आता हूँ। अपनी आंखें बंद कर समुंदर की लहरों को सुनकर मुझे शांति मिलती है। तुम भी यहाँ रिलैक्स करके एग्जाम में पूरा जोर लगा सकती हो, है ना? हाँ? ये क्या है? एक लक की चाम, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए। क्या? तुम्हें ये कहाँ से मिला? रहा था आराता श्राइन। मुझे लगता है ये काम आएगा। इसे फेंकना मत। मैं इसे कभी भी नहीं फेंकूंगी। वादा करो। वैसे यहाँ आसपास कोई वेल नहीं है। चलो घर चलते हैं। ठीक है। मैं घर आ गई। हाय, मैं बस तुम्हारी ही फोटोज देख रही थी। मेरी फोटोज? हाँ, तुमने ही तो मुझे ढूंढने के लिए कहा था। क्या मैं ये पी सकती हूँ? ये मेरा है, तुम खुद के लिए खुद बनाओ। आपको ये पहले कहना चाहिए था। तुम हमेशा काफी आलस करती हो। तुम म्यूजिक से नफरत करती हो क्योंकि तुम्हें गाना नहीं आता। मुझे म्यूजिक पसंद है, मुझे बस गाना पसंद नहीं है। आपने ये फोटो ली क्यों? आपने ये फोटोज क्यों रखी हुई है मॉम? पर अभी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ये फोटोज क्यों चाहिए? असल में स्कूल फेस्टिवल के लिए हम सब ने डिसाइड करा है कि हम एक कैफे में काम करेंगे। इसी वजह से मुझे फोटो की जरूरत थी क्योंकि हम उसे वहां पे डालने वाले थे। क्या? मुझे भी करना पड़ेगा मॉम, ये सच में सिर दर्द है। तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। हाँ मॉम, मैं जानती हूँ। खुश हो जाओगी, मैं तुम्हें हमेशा से खुश देखना चाहती होगी। मैं और नहीं पढ़ सकती।
शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए, पर मैं बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही। मैं उसे बता नहीं सकती कि मैं उसके बारे में क्या महसूस करती हूँ, कभी भी नहीं। ठीक से सोई नहीं? आज तो तुम्हें एग्जाम पास करना है। शायद। चलो खाने के बाद कहीं चले। हाँ, कहाँ? चलते चलते सोचेंगे। एग्जाम कैसा गया? ठीक है, इंतजार करवाने के लिए माफ करना। सुनो, तुम और अराता अच्छे दोस्त हो, है ना? तुम लोग डेटिंग नहीं कर रहे, है ना? नहीं। शायद मैं अराता को पसंद करती हूँ। हम बस बचपन के दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। असल में मैं उसे कभी भी डेट नहीं करूंगी। शुक्र है, तो क्या मैं उसे डेट कर सकती हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये जरूर कर लोगी, और मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। अब जाओ, उसके साथ स्टेशन जाने के लिए कोई बहाना ढूंढो। चलो भी, जाओ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें मजा नहीं आ रहा? मुझे आ रहा है। साइकिक, ये लोग अजीब होते हैं। चलो अंदर चलते हैं। तुमने कहा ये अजीब है, फिर भी तुम अपना भविष्य जानना चाहती हो? चलो भी, एक बार चेक करने में क्या ही जाएगा, है ना? कुछ नहीं। क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। क्या यहाँ कुछ ज्यादा ठंड नहीं है? ये अजीब लग रहा है। साइकी, उरिका, मैं चलो वापस। क्या बात है? हाँ, कुछ भी नहीं। तो कैसे भविष्य जानना है? मुझे आगे मुसीबत आने वाली है। एक बड़ा बदलाव और आखिर में एक टेस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक टेस्ट?
क्या हुआ रहा था? चलो मैं हूँ। क्या? अरे रुको। कूल प्रियर। भविष्य का पहिया। सिंगिंग क्लास, डांस क्लास, तुम कुछ भी नहीं कर पाती थी। तुम बस बाहर रोने लग जाती थी। मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा एक से क्या हुआ? तुम हमेशा आराध्या के साथ मोरी अस्टोर जाती थी। मैंने कहा ना मुझे दर्द हो रहा है। बूढ़ी मिसेस मोरिन मर चुकी है। माफ करना। अचानक से क्या हो गया तुम्हें? क्या बात है? कुछ नहीं। तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। आ रहा था क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम पहले ऐसा बर्ताव नहीं कर रहे हो? मैं जा रही हूँ। मियो रुको। रुको। एक मिनट रुको। आखिरकार हम दोनों के बीच चल क्या रहा है? हम डेटिंग भी नहीं कर रहे हैं। हम बस बचपन के दोस्त हैं, पर तुम मेरे अलावा भी किसी और के साथ नहीं घूमते। क्या हम ये बंद कर सकते हैं? मियो बसंत में हर कोई चैन की नींद सोता है। बसंत में सबको काफी अच्छा महसूस होता है, इसीलिए सभी देर सुबह तक सोते हैं। मुझे ऐसा समझ आया, लेकिन ये आराम वाली फीलिंग। वो क्या था? ये मुझे डरा रहा है। गुस्सा हो है ना? कल मैं माफी मांगने तुम्हारे घर भी आई थी, पर अचानक से मियो आ, आ,
सोई हुई हूँ। क्या ये सब कुछ एक सपना है? ना है? एक उल्लू। आज का सपना कुछ अजीब सा लग रहा है। आसमान में एक नदी। किमोन, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कोई सॉफ्ट टॉय नहीं हूँ। तुम बोल सकते हो? और तुम्हारे पास बुड्ढे ऐसे क्यों है? तुम मेरे सपने में एक बुड्ढे की आवाज में बोल रहे हो? ये कोई सपनों की दुनिया नहीं आंटी जी। हाँ, इस आवाज के साथ तुम बिल्कुल क्यूट नहीं लग रहे हो। क्योंकि हम सपने में है तो तुम अपनी आवाज थोड़ी प्यारी नहीं बना सकते क्या? ओरे बाबा, ये कोई सपना नहीं है। ओए माँ की कबो। मैं हूँ विमान। ओ माँ, अपन स्टंप टर्निंग है। ये है वर्ल्ड बॉर्डर। वर्ल्ड बॉर्डर? ये कैसी जगह है? वो जगह जहाँ अपन ज्यादा कबूल कर दूसरी दुनिया में जाते हैं। क्या मतलब? यह वर्ल्ड बॉर्डर तुम्हारे यादों से बना है रे, तो तुम बिना कंफ्यूज हुए दूसरी दुनिया में जा सकती हो। ये कैसा अजीब सा सपना है? अपन तुम्हारा वर्ल्ड बॉर्डर में गार्ड बनेगा जी। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तो मेरे पीछे आओ। गाइड। गाइड? चलो रे, जो दुनिया तुम जाती हो वो इस दरवाजे के पीछे है। जब तुम इसे पार करोगे तो तुम इंसानी दुनिया के बारे में भूल जाओगे रे। तुम्हें वो सब याद नहीं करना पड़ेगा। चलो बे, जा अपनी मनचाही दुनिया में। वो दुनिया मैं जानती हूँ। ये क्या है? ये तो मुझे कहीं नहीं लेके गया। मियो, वापस आओ। मियो, तुम मुझे किको बुला सकती हो? तुम्हें इस गाइड की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चलो वापस आ जाओ। मेरा काम है टांग मत अड़ा बूढ़ी औरत। मैं नहीं अदा रही, उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सच नहीं हो सकता। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये दुनिया काफी उलझी हुई है। हे, ये तो एक सपना है ना? ये थोड़ा डरावना है। उसकी किस्मत अभी तक सील नहीं हुई है, समझे? तो वो बस मन ही मन भटक आए। ओई माँ, हाँ कभी कभी होता है। लोग अपने शरीर सालों पहुँचाता है जी और यहाँ जाता है। ये नहीं हो सकता।
मैं अभी भी जिंदा हूँ। खैर चलो उसे वापस इंसानों की दुनिया में लेके चले, क्योंकि तुम गाइड हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कभी कभी लोग यहाँ गलती से आ जाता है जी, पर मैं तुम्हारे बिना सबूत के मदद नहीं कर सकता रे। मेरा हाथ! चिंता मत करो, बस अपनी यादों को याद करने की कोशिश करो। ये सपना है, बस एक सपना। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। नियो, आराधा को याद करो। एक सपना है। हार मत मानो, आराधा को बस याद करो तुम। ये सपना नहीं है, कुछ था जो तुम आराधा को कहना चाहती थी, है ना? तुम्हें कैसी दुनिया चाहिए? आराधा, मुझे उसे वो बताना होगा। वो वापस पहले जैसे हो गई। क्या ये कोई सपना नहीं है? यहाँ वर्ल्ड बॉर्डर दुनिया में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब इंसानों के बारे में भूल जाओगी। तुम्हें भूलना नहीं है, वरना तुम वापस नहीं जा पाओगी। अगर मैं भूल गई तो मैं कभी भी वापस नहीं जा पाऊंगी। थैंक यू। दरवाजा उड़ी बाबा, रेक्यूम वर्ल्ड बॉर्डर का गार्डन है। यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है पक्का। चलो भागे इस तरफ। अगर तुम पकड़ गई तो तुम वापस नहीं जा पाओगी। सच में? तब भागो, मियो की किस्मत सील्ड हुआ है। हम यहाँ पर सेफ है, वो स्टेशन तक नहीं पहुँच सकते। मियो तुम्हें वापस जाना होगा। तुम्हें वापस इंसानों की दुनिया में जाने के लिए ट्रेन की टिकट और वापस जाने की इच्छा की जरूरत होगी। एक टिकट और वापस जाने की इच्छा। फॉरगॉटन थिंग्स काउंटर पे जाओ और जब वो पूछे तुम क्या करना भूल गई तो अपनी यादों के बारे में बताना। हाँ, कुछ था ना जो तुम आराधा को बताना चाहती थी। आगे बढ़ो। ऐसे कोई चीज नहीं होती है रे, तुम ट्रिप के लिए निकलोगी। चलो बे, इंसानी दुनिया के बारे में भूल भी जा। कीमोन, मैं उस समय के बारे में कभी भी नहीं भूल सकती। और पगली, यहाँ फोन नहीं चलता। मियो, हेलो। आराधा, ये मैं हूँ। मियो, मियो क्या ये तुम हो? हाँ? ये नहीं हो सकता। कट हो गया, पर एक पल के लिए सही मैंने उसकी आवाज सुनी। क्या वर्ल्ड बॉर्डर और इंसानी दुनिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसानी दुनिया इस तरह जुड़ पाएंगे। यह बात हजम नहीं हुई। वो क्या है? तुम्हारा फॉरगॉटन थिंग्स काउंटर। मेरा? हम इसके ज्यादा करीब नहीं जा सकते, तो तुम्हें गुड लक। तो ये फॉरगॉटन थिंग्स काउंटर है, पर मैं अभी तक कुछ भूली नहीं हूँ। माफ करना, असल में मैं कुछ भूल गई हूँ। क्यों पूछा कि वो क्या था?
तुम्हें उसे नहीं पता भाई। मुझे वो याद नहीं है। तुम आखिर में समझ ही गए, अब अपने ट्रिप के लिए तैयार हो जा। मैं अभी भी आराधा के बारे में भूल ही नहीं हूँ। चिंता मत करो मियो। किंकु, पर मुझे वो याद नहीं है। तुम बस थोड़ी घबराई हुई हो, तुम थोड़ा शांत हो जाओ और तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हें मेरा नाम भी बताएं। और तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम आराधा के बारे में भी जानते हो। मुझे नहीं लगता, मैं कुछ जरूरी चीजें भूल गई हूँ। पर जब मैंने तुम्हें बॉर्डर पर देखा, मुझे लगा मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इंसानी दुनिया में तुम्हारे साथ इसका रिश्ता था रे। जिन लोगों के आपके साथ रिश्ता मजबूत होता है वही अपने असली रूप में रहते, बाकी सब शैडो बन जाते हैं। मुझे माफ करना, मुझे तुम भी याद नहीं होगी को। कोई बात नहीं मियो, तो चलो तुम्हारी यादें वापस लाने का कोई अच्छा तरीका ढूंढते हैं। तुम्हें इस फॉरगॉटन थिंग्स काउंटर के बारे में पता कैसे चला? ये वर्ल्ड बॉर्डर है तो ये उससे थोड़ा अलग है जिसमें मैं पहली बार गई थी, लेकिन मैं इंसानों की दुनिया में एक बार पहले भी लौट चुकी हूँ। तो तुम यहाँ दूसरी बार आए हो। जब से मियो नाम की ये आफत यहाँ आई है पूरा गड़बड़ चल रहा है, और ये है कि दूसरी दुनिया में जा ही नहीं रही। पता नहीं बीसीए क्या चल रहा है। चलो ठीक है, महान गॉडेस के पास चल रहे। चलो, मदर गॉडेस को वर्ल्ड बॉर्डर के बारे में सब कुछ पता है रे। मदर गॉडेस? दुकान बंद है, चल निकल यहाँ से। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुझे बात करनी है, मुझे नहीं करनी। तू पिछली बार भी बिना पैसे दिए भाग गया था, पहले के पैसे दे और चल निकल यहाँ से। आपका नाम ओरिका किसुमोआ है ना? मैं आराता किसुमो हूँ। तुमने मुझे ढूंढ लिया? आपको मैं याद हूँ? मुझे अपने भतीजे का चेहरा याद है, काफी दिनों बाद मिले। तुम आत्मा को देख रहे थे? मैं आपसे मदद चाहता हूँ। ना, बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। ग्रैंडपा ने मुझसे कहा था तुझसे दूर ही रहूं। चल निकल यहां से, वैसे भी अंधेरा हो रहा है, बच्चों को। मैं किसी को बचाना चाहता हूँ। मैंने कहा ना निकल। जब तक आप सुनेंगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मैं मियो मरने वाली है, प्लीज उसे बचाने में मेरी मदद करें। यादें ताजा हो गई, मैं यहाँ बचपन में खेला करती थी। ये दुकान, ये मोरिया है, मैं यहाँ अक्सर बचपन में आया करती थी। करता था काफी सारी यम्मी दिखने वाले स्नैक्स। लकी, मियो, मिस मोरी,
काफी दिनों बाद मिली मियो। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मियो। तो तुम क्या खरीदना चाहोगी? मैं यहाँ स्नैक्स खरीदने नहीं आई हूँ। तो क्या मदर गॉडेस आप ही हो? ये तुम्हारे सपनों की दुनिया है मियो। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मदर गॉडेस का रोल जरूर मेरा ही होगा। मैं बिल्कुल मानती हूँ मिस मोरी। मैं उस दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ जहाँ से मैं आई हूँ। मैं जानती हूँ। उसने कहा वो वापस जाना चाहते जबकि उसे कुछ याद ही नहीं है। बताएं मुझे, मैं याद करने के लिए क्या करूं? जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत होता था तुम हमेशा यहाँ आती थी। हाँ, तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें चीजें याद नहीं रहती, तुम बस वापस जाने में झिझक रही हो। ऐसा नहीं है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? जीना मुश्किल है ना? जिंदगी में चीजें कभी भी वैसी नहीं जाती जैसा तुम चाहती हो, इसलिए तुम वापस जाने से डर रही हो। मैं डर नहीं रही, मैं आराधना को देखना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ। जब कोई चीज तुम्हें परेशान करती थी तो तुम हमेशा उस दरवाजे के पीछे जाकर रोया करती थी। असल में वही तुम्हारा डर है। अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें अपने डर पर जीत हासिल करनी होगी। ये ठीक हो जाएंगे, मैं डरी हुई नहीं हूँ। मुझे चाट क्यों रहा है? ठीक है, मैं समझ गई। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें खुद करना होगा। ठीक है। क्या तुम कोई ऐसी जगह को जानते हो जो उसके अंदर की मजबूत यादों को रखती हो? मजबूत यादें? जहां ये दुनिया और दूसरी दुनिया से जोड़ती हो। वो थोड़ी देर पहले किसी दूसरी दुनिया में गए थे, तुम्हें उसकी आत्मा लाने के लिए वही दुनिया में वापस जाना होगा। क्या हुआ? औरत था। क्या हुआ मियो? कुछ नहीं। मुझे सिंगिंग पसंद थी, पर लोगों के सामने मैं गा नहीं पाती थी। जब भी मैं स्टेज पर उठती थी तो घबराहट की वजह से मेरा सुर बिगड़ जाता था और तब सब चिढ़ाने लग जाते थे। मैं हमेशा इसी बात से परेशान रहा करती थी कि कोई मेरा मजाक ना हो रहा है। उन्होंने मुझे बैलेट लेसन लेने के लिए कहा, पर मैं डांस करने में भी अच्छी नहीं थी। ये शर्मनाक था। मैंने काफ़ी कोशिश करी बेहतर होने की, पर कुछ नहीं हो पाया। कभी भी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, इसलिए मैंने कोशिश करना भी छोड़ दिया। ये जगह बस आराम कर रही हूँ। जब तक फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर सकती तब तक चलो, तो चलना पड़ेगा। क्या कहा? बिल्कुल नहीं। आखिरकार ये सब करने का मतलब क्या है? मैं मुश्किल और दर्दनाक चीजों से दूर भागती रही हूँ। मैंने कोशिश करने से भी हार मान ली। तुम लोग डेटिंग नहीं कर रहे है ना?
शायद मैं अराता को पसंद करती हूँ। हम बस बचपन के दोस्त थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कोई मुसीबत नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने झूठ बोला। मैं मुश्किल हालात और दर्दनाक चीजों से दूर भागती आई हूँ। हमेशा से मैं खुद से झूठ बोलिया। मैंने कभी कुछ तय नहीं करा और ना ही कर सकी। मैंने अपने सारे मौके छोड़ दिए। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। पर अभी मैं इन सब चीज़ों से थक चुकी हूँ। मैं पियानो की आवाज सुन सकती हूँ। ये मेरी मॉम का फेवरेट म्यूजिक है। मेरी मॉम हमेशा गाना लिविंग रूम में गाती है। मुझे ये सॉन्ग पसंद है। मैं हमेशा ये सॉन्ग सुनती रहना चाहती हूँ। Thank you.
ये जगह दोस्तों जब मैं कड़ी मेहनत नहीं करती थी तो आराधा मुझे डांटता था, इसलिए हौसला देने के लिए वो मुझे बाहर लेके गया था। हम पेंगुइन्स देखने गए, फिर वहाँ से हम कैफे गए एंड लास्ट में हम दोनों समुद्र किनारे गए जहाँ मैंने उसकी फोटो भी ली थी। मैं उसे देखना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसे कुछ बताना है। तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर ली मियो। शुक्रिया। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, पर यह बोल के भी मत आना। शुक्रिया दोस्तों। वापस आओ रत्ता। माम, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, तो प्लीज माम आप मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मियो। शुक्रिया गीको, माफ करना, मुझे अभी भी तुम याद नहीं आ रही। माफ करना, मुझे याद नहीं आ रहा। अब जबकि पता है तुम वापस आ सकती हो, मैं गीको। माफ करना, मुझे मुस्कुराते हुए तुम्हें अलविदा करना चाहिए। ओए मेरा गला दब रहा है। जब मैं घर पहुंचूंगी तो मैं तुम्हें काफी मिस करूंगी किमोन। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा मिया। मेरा गला घुट रहा है, पागल औरत, चल हट। शुक्रिया मिस मोरी। जब भी मैं कड़ी मेहनत करूंगी तो मैं मिठाई खाऊंगी और आपको याद करूंगी। ज्यादा मत खाना। क्या तुम्हारे पास वापस जाने के लिए मजबूत इच्छा है मियो?
बच्चों का। वेलकम बैक मिया। मैं वापस आ गई। क्यों? क्या तुम यह नहीं चाहती थी? तुम यहाँ वापस आना चाहती थी ना? क्या? तुम यहाँ अपनी मजबूत इच्छा की वजह से वापस आई हो। शायद तुम्हारा मन नहीं चाहता कि इंसानी दुनिया में वापस जाओ। तुमने तो कहा था मैं घर जा रही हूँ। क्या तुमने मुझे झूठ बोला था? मुझे छोड़ बगले, वो झूठ नहीं था। वो सभी जो वापस जाना चाहते वो ट्रेन का इस्तेमाल करके वापस चले जाते हैं। इसका मतलब कि तुम अब क्या होगा? हमें मिस मोरी के पास जाना होगा जल्दी। मिस मोरी, मैं कहीं नहीं जा पा रही। हालांकि मुझे जाना है पर पता नहीं क्यों। बताइए मुझे, मैं क्यों नहीं जा पा रही? मैं मदर गॉडेस हूँ, ये मेरा असली रूप है। मैं यहाँ भटकने वाली आत्माओं को बचाती हूँ। तुम रिक्विम की वजह से घर वापस नहीं जा पा रही हो। रिक्विम? आखिर वो मुझे यहाँ क्यों रोकना चाहता है? मियो, मुझे वापस जाने की अपनी इच्छा के बारे में बताओ। क्या तुम्हें याद है तुम अराता से क्या कहना चाहती थी? मुझे उसे कुछ बताने की इच्छा हो रही है पर मैं भूल गई हूँ कि मुझे उसे क्या बताना था। रिक्विम इसी बात का फायदा उठा रहा है। वापस जाने के लिए तुम्हें एक मजबूत भावना की जरूरत है जो रिक्विम को पीछे हटा सके। एक मजबूत भावना? अगर तुम्हें याद नहीं कि तुम क्या कहना चाहती हो तो तुम वापस नहीं जा पाओगी। चिंता मत करो, तुम्हारे पास वो चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है। अपने आप पर यकीन रखो। चलो अब जाओ। टेंपल फेस्टिवल, मुझे यहाँ क्या मिल सकता है? ओए मियो सुनना, इंसानी दुनिया के बारे में भूल भी जाओ ना। बिल्कुल चुप हो जाओ, मैं यहाँ गलती से आई हूँ। कीमोन, क्या तुम मेरे घर जाने में मदद करने वाले हो या नहीं? मैं एक भी नहीं पकड़ पा रहा। बड़ी मछली को छोड़ो और छोटे वाली मछली को पकड़ने की कोशिश करो। ये वाली, ये तो पिछले साल गर्मिया। हाँ यहाँ, मी वो बेवकूफ जरूर है पर वो अच्छी है। क्या मतलब? अगर तुम उसके साथ घर जाओगी तो वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। चलो भी। वाह, तुम कमाल आ रहा था। है ना? फिर से ये करो। समझ गया।
मुझे याद नहीं आ रहा उसने मुझे क्या कहा था। मुझे क्यों याद नहीं आ रहा? क्योंकि ये काफी अनोखा था तो मैं तुम्हें कुछ देर तक देखता रहा। मैं हूँ रेक्वेम। तो तुम हो रेक्वेम? मैं किसी भी किस्मत पे घर जाऊंगी। मैंने भी यही सोचा था पर तुम वापस अपना रास्ता भूल गई। मैं नहीं बोली। तुम्हारे पास टिकट है, तुम वापस जा सकती थी पर तुम नहीं जा पाई। मैं जाऊंगी, मुझे अकेले छोड़ दो। इंसानी दुनिया और दूसरी दुनिया प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलती है। मैं तुमसे नियमों का पालन कराने के लिए कुछ भी करूंगा। नियमों का पालन करो और उन्हें मानो। भागो मिया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मिया, मिया का भी इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। मेरे रास्ते से हट जा। मिया का चोट मत पहुंचा। क्या तुम नियम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? हट यहाँ से। वो वापस आ जाएगा, इससे पहले कि वो आ जाए यहाँ से भाग जा। पर दरवाजा तो। चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। आखिरकार तुम ये मदद क्यों कर रही होगी मोन? जब मैंने तुम्हें रेक्यूम का सामना करते देखा तब मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ओए मोन, क्या डायलॉग था? वो जगह बताओ जहाँ तुम जाना चाहती हो, आखिर यही तो गाइड का काम होता है जी। तुम्हारा शुक्रिया की मोन। जल्दी से मेरे मुंह के अंदर जा। शुक्रिया।
केको, मुझे अब याद आ गया है, मैंने गलत सुना क्योंकि मैं पानी में होती थी। मुझे लगा तुम कीको कह के पुकार रही हो। कीको, क्या तुम ही की हो? पर तुम यहाँ की हो? तुम जैसे मुझे हर रोज पुकारती हो उससे मैं खुश हूँ। मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया, मैं काफी खुश हूँ। मैं जल्दी घर जाने वाली हूँ, मैं इंतजार करने की। अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। अपनी फीलिंग्स याद करो, अपने घर जाने के रास्ते को याद करो। हाँ। रिक्वायम यहाँ है। वह भी तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अपनी किस्मत में लिखा हुआ मान लेना चाहिए। कानून उनका इंतजार करता है जो नियमों को तोड़ते हैं। तुम्हें नहीं पता ना तुम्हें कब हार माननी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए आया। अब मुझे याद आया, तो आराधना ने मुझसे कहा था। मियो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बहुत खुश थी, पर मैंने ऐसा बर्ताव कराया जैसे मैंने कुछ नहीं सुनाया। जितना ही मैं उसके करीब जाती हूँ मैं उतना ही डरने लग जाती हूँ। मैंने बस उसका जवाब नहीं दिया। मुझे लगा था कि जैसे मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मैं काफ़ी आलसी हूँ, भले ही वो मुझे पसंद क्यों ना करता हो, पर मैं डरती थी अगर उसको मेरी असलियत पता चल जाए तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। पर जब मुझे पता लगा कि मैं उसे कभी नहीं देख पाऊँगी, तब मुझे अपनी असली फीलिंग का पता चला। हम कहाँ हैं? हाँ।
वापस आओ रत्ता, वापस आओ रत्ता। मियाओ, मियाओ, मियाओ। तुम्हें अपने यहाँ आने के कारण को मानना पड़ेगा, तुम्हारी किस्मत। मैं नहीं जानती मैं यहाँ क्यों हूँ, ना ही मैं अपने भाग्य के बारे में ज्यादा कुछ जानती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मुझे अभी क्या करना है। मैं उस दिन में वापस जाऊंगी जहाँ से मैं आई हूँ। क्या तुम्हें रास्ता पता है? अब मुझे याद है। चलो फिर देखते हैं। मेरी फीलिंग से यहाँ है, ये मुझे रास्ता दिखाएगी और मुझे घर ले जाएगी। मियाओ, तुम्हें मियाओ को ढूंढने के लिए एरेस्ट्रल प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। उस पावर का इस्तेमाल मत करो, ग्रैंडपा ने तुम्हें उसके लिए मना किया है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ये काफी करीब था अगर मैं तुम्हें वापस न लाती। आपने ऐसा क्यों किया? मैं उस तक पहुंच ही गया था। बकवास बंद करो, अगर मैं ये नहीं करती तो तुम हमेशा के लिए वहां पर फंस जाते। मैं मर जाता। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें कम से कम शुक्रिया करना चाहिए मेरा। मियो, ओरिका, मुझे प्लीज हॉस्पिटल ले चलो। क्या अब तुम ठीक हो? हाँ। इसका दोबारा इस्तेमाल मत करना। जब मैं छोटा था, मेरी मॉम ने भी मुझे इसी तरह डांटा था। डैड की मौत के बाद वो मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वो मुझसे नफरत करती थी। वो किशमोश की ताकत से नफरत करती थी। उस दिन क्या हुआ था? आज की तरह ही मैंने अनजाने में वो ताकत जगाई और मैं अपना शरीर छोड़ दिया। मैं एक चेरी ट्री के नीचे मियो के साथ खेल रहा था। क्या ये हॉस्पिटल है? आरा तक आए, मुझे वो कहीं दिख नहीं रहा। क्यों?
कि मैं वापस आ गई, पर फिर भी मैं उसे छू नहीं पा रही। अपनी किस्मत का सामना करो। मैं अपने बॉडी में वापस क्यों नहीं जा पा रही? बताओ मुझे क्यों? असलियत का सामना करो। तुम वर्ल्ड बॉर्डर पर क्यों आई थी? उस दिन मेरी हालात के साथ लड़ाई हो गई थी। मैं जल्दी में थी। मैं उससे माफी मांगना चाहती थी और अपने फीलिंग के बारे में बताना चाहती थी। एक्सीडेंट हो गया। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मरने वाली हूँ। यही तुम्हारी किस्मत है। पर क्यों? मैंने उसे अगले दिन देखा था। मियो, यही असलियत है। यादों की वजह से सबसे गुजर रही हो। हमें अपनी यादों की जरूरत है ना? तब नहीं, जब तुम मरने वाली हो। मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। मैं अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। अब समझ क्यों नहीं रहे? मुझे आराधक को बताना होगा। मेरी बात को समझिए। तुम्हारे पास कुछ ही मिनट्स बचे हैं। जाओ और उसे अलविदा करो। मिस ओरिका, उसकी मौजूदगी मैंने महसूस की है। मैंने नर्स से कहा हम मियो के रिश्तेदार हैं। क्या आप अपनी ताकत से उसे वापस नहीं ला सकती? उसकी आत्मा को शरीर से निकले हुए काफी देर हो चुकी है। मैं अपनी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अगर एक बार और मैं उस ताकत का इस्तेमाल करता। पागल मत बनो, क्या तुम भी मेरे भाई की जैसे मरना चाहते हो?
डैड। तुम्हें दूसरी दुनिया से वापस लाने के लिए तुम्हारे डैड ने अपनी जान गवा दी। सच में? क्या तुम फिर से अपनी मॉम को रुलाना चाहते हो? ओहो, तुम्हें कशितो फैमिली से इसलिए दूर रखा कि वापस से ऐसा कुछ ना हो सके। वो तुमसे नफरत नहीं करते? वो करती हैं। उन्होंने मुझे छोड़ दिया और चली गई। उन्होंने फिर से मुझे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। ऐसा इसलिए कि कशिबो खून बेकाबू हो जाए अगर वो तुम्हें वापस से अपने सामने पाए। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, पर क्या तुम अभी भी इसका इस्तेमाल किसी को बचाने के लिए कर सकते हो? नहीं ना। मियो, मियो, क्या ये तुम हो? अराता, क्या ये तुम हो? मिया, इधर देखो ना। मियो, मियो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ। सुनो, मैं तुमसे। तुम यहाँ हो है ना? हाँ, मैं यहाँ ही हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी। अरता, क्या तुम्हें इससे कुछ मदद मिल सकती है? एक ऐसी जगह जहां सबसे मजबूत यादें हों। हॉस्पिटल से किसी पेशेंट को इस तरह ले जाना हमें मुसीबत में डाल सकता है। जब हम वहां पहुंचे तो तुम अकेले जाना, मेरी मौजूदगी हम दोनों के बीच आ सकती है। हाँ। किशिमो का खून ना सुनने का दिखावा मत करो। काफी समय पहले मैंने भी अपने किसी करीबी को वापस लाने के लिए इसी शक्ति का इस्तेमाल किया था। मेरा भाई, तुम्हारे पापा, पर आखिर में मैं वो नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि मैं डर गई थी। मुझे भाग्य से खिलवाड़ करने में डर लगता था। अब मैं इसके लिए पछताती हूँ। मुझे जो हो सके वो करना चाहिए था, भले कैसा भी भाग्य मेरा इंतजार कर रहा हो। जब मैंने तुम्हें उसके पीछे पागल देखा तब मुझे वो खास भावनाएं याद आ गई। मेरे जैसी गलती तुम मत करना। तुम्हें मेरे जैसे पछतावे के साथ बड़ा नहीं होना चाहिए। मियो, खो मत जाना। जिस जगह से तुम्हें वापस आना है वो यही है। क्या तुम्हें यकीन है मियो? क्या तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं है? मैंने अपनी पूरी कोशिश करी पर कुछ नहीं हो पाया। मुझे लगता कि ऐसा मत कहो। पर रिक्यूम ने तो कहा वो मेरी किस्मत है। किस्मत का फैसला करने वाला वो कौन होता है? जब तक तुम हार नहीं मानोगी तब तक ये सब खत्म नहीं होगा। उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे फिर से खुश देखना चाहती हो। मैं भी तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ मियो।
मुझे भी वही सपना आया। मैं चट्टान से नीचे गिर रहा था। इसका क्या मतलब है? जी, तुम्हें तुम्हारे पैर जमीन पर टिकाए रखने चाहिए। मैं उन्हें नीचे रख रहा हूं। तुम फिर से देर से उठी है ना? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। अंतरिक्ष और धरती के बीच के स्पेस को होराइजन कहते हैं, है ना? तो ये है सी होराइजन। तो अंतरिक्ष और आसमान के बीच के स्पेस को क्या कहेंगे? स्पेस होराइजन। तुमने ये खुद बनाया था, है ना? क्या तुम कोई अच्छा रोमांटिक नेम नहीं सोच सकती थी? अंतरिक्ष और आसमान के बीच को ओवर द स्काई कहते हैं। मैंने वादा करा था मैं अपनी पूरी जिंदगी इससे बहन रखूंगी। मुझे अभी याद आ गया, मुझे मधुका का बताना होगा। मुझे लगता है मैं अराता को पसंद करती हूँ। मैं इस बात से डरती थी कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स बताऊंगी तो हम तीनों की दोस्ती टूट जाएगी। मैं इस बात को लेकर बहुत डरी हुई थी, इसलिए मैंने खुद से झूठ बोला। पर मैंने झूठ बोलने का तय किया। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। मैं आराधा से प्यार करती हूँ। वो असली भावना है जो मैं भूल गई थी। मैं आराधा और मडोका को ये बोलना चाहती हूँ। लगता है आपने डर को हरा दिया है। चलो, तुम्हें अपने सपनों की दुनिया में जाना चाहिए। ये दरवाजा मुझे अपने सपनों की दुनिया में नहीं ले जाएगा। और ना ही मैं अभी किसी के बातों में आऊंगी। मैं अपनी किस्मत का और जिंदगी का फैसला खुद लूंगी। मैं तुम कहां जा रही हो? मैं उस दुनिया में जा रही हूँ जिसमें मैं रहती हूँ। Thank you.
चलो और यादें बनाएं, तुम और मैं। नहीं, हमने अभी भी साथ में काफी यादें नहीं बनाई। मियो, मैं तुम्हारी गर्माहट महसूस कर सकती हूँ। कुछ है जो मैं तुम्हें काफी समय से बोलना चाहती थी पर बता नहीं पाई। उस दिन जो तुमने मुझसे पूछा था उसका जवाब